महाशिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष सोमवार द्वादशी तिथि सुबह 10:10 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में रात्रि 9:20 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। भरणी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, निरोगी, उत्तम विचारों वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ और सुखी होते हैं। ये अत्यंत साहसी, प्रेरणादायक, बलवान और रसिक मिजाज के होते हैं। यह धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, फोटोग्राफी, चित्रकारिता, फिल्म इत्यादि में शौक रखने वाले और अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मेष राशि में ही चलते रहेंगे। आज के जन्मे जातक पिता के लिए भाग्यशाली माने जाते हैं। बुध अब अपनी राशि मिथुन राशि में आ चुके हैं। बुध जिन जातकों के कारक होंगे उनकी बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा, विश्लेषणात्मक पहलू विकसित होगी, तार्किक क्षमता में वृद्धि होगी और व्यावसायिक मामलों में तेजी आएगी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखी और संतोषप्रद मानसिकता के लिए प्रेरित करेगा। भावनात्मक रिश्तों का विकास होगा और स्वयं में ऊर्जावान महसूस करेंगे। साझेदारी के कामों में रुचि बढ़ेगी और नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी। सरकारी विभाग से सहयोग और लाभ की उम्मीद बनती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। उन्नति के अवसर मिलते रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए नकारात्मक विचारों में कमी आएगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक निवेश संभावित है और कार्य क्षेत्र के विस्तार का मौका मिलेगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। खर्च और आवश्यक संसाधनों के मुद्दों पर सतर्कता रखनी चाहिए। हालांकि रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की उम्मीद बनती है। प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बढ़ेगी और गज केसरी योग का लाभ मिलेगा। कुछ जरूरी मामलों में आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा। साथ ही कुछ आवश्यक और उपयोगी विषयों का सानिध्य प्राप्त होगा और संबंधित मामलों में सकारात्मक प्रेरणा मिलती जाएगी। व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। बुजुर्गों से लाभ और साझेदारी बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और परिश्रम का फल मिलता जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुकून और संतुष्टि वाला महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के साथ उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी और सफलता हासिल करेंगे। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी की पुनरावृत्ति संभावित है और उसमें सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी मगर संतान संबंधी चिंता कुछ विषयों को लेकर हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामलों के प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों की प्रोन्नति संभावित है। विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और आपका ऊर्जा स्तर बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा मगर सुचारू ढंग से चल रहे कुछ कामों में रुकावट और अड़चन की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान बने रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में तनाव व तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो सकती है। संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नतिकारक होगा।
चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। मगर कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। कुछ मामलों में वाद विवाद व मानसिक भ्रम संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा छठ में चल रहे हैं, जिससे काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी की संभावना बनती है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आज चल रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में टालू प्रवृत्ति बनी रहेगी। सूर्य छठवें होने से कुछ कामों में रुकावट या विरोध की संभावना बनती है। आपकी सक्रियता और रचनात्मक प्रयास में ज़्यादा कमी नहीं आएगी और कार्य योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। मगर नई कार्य योजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रभावित हो सकते हैं। साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी और सरकारी कामकाज में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और संबंधित कामों में आपकी व्यवस्था सफल रहेगी। भाग्यवश कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दिन साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे। मन की नकारात्मकता और उत्साहहीनता को दूर रखें। आपके हर काम संपन्न होंगे। साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।